Welcome friends, in this particular video I shall be taking care of a great concept called tie-bout analysis or voting with your feet. Well, it shall resemble a bit of decentralization theorem as well. So before starting this, I thoda sa iska introduction deta hoon. As the name suggests, voting with your feet. Suppose mere bacho, आपके पास एक ऑप्शन है कि तीन लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं, लोकेलिटी ए, लोकेलिटी बी, लोकेलिटी सी, और तीनों में ही अलग अलग लेवल के, अलग अलग क्वालिटी के पब्लिक गुड्स, लोकल पब्लिक गुड्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में बहुत सारे रेसिंग ट्रैक्स हैं, और एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में बहुत सारे पार्क्स हैं, और फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिक्रिएशनल चीज़ें हैं वहाँ पर. सो अब आपको ये देखना है गाइस कि आपकी प्रेफरेंस क्या है. तो अगर आपको पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा सपोज़ शौक है तो यू कैन रिसाइड इन लोकेलिटी ए. अगर आपको से रेसिंग वगैरह का बहुत शौक है तो लोकेलिटी बी, और आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए तो यू कैन रिसाइड इन लोकेलिटी सी. तो ये तो बात रही आपकी प्रेफरेंस की, एज पर द प्रेफरेंस यू कैन सेटल इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी. बट आपको ये भी साथ में देखना होगा दैट कौन सी लोकेलिटी आपसे टैक्स जो ले रही है वो आपके हिसाब से बेस्ट सूटेड टू यू है कि नहीं. सो बेसिकली वोटिंग विद योर फीट कहता है कि आप उस लोकेलिटी को पिक करेंगे जहाँ पर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, प्लस जो आपको टैक्स कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा वो भी आपके हिसाब से जस्टिफेबल हो. आइए पढ़ते हैं मेरे बच्चों. सो टाइबाउट इन 1956 आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल सेलेक्ट द लोकल कम्युनिटी हुज प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड एंड टैक्स प्राइसेस बेस्ट सेटिस्फाई देयर प्रेफरेंसेस. जैसे मैंने बताया, tie-bout analysis was framed as a direct response to Samuelson in 1954 conclusion that individual would not reveal their preference for public goods. आप याद करिए chapter 3 public goods video भी आप देख सकते हैं मेरा, मैंने उसमें बार बार आपके साथ जिक्र किया है कि वो preference revelation की problem रहती है. जब हमने किया था free rider problem, क्यों होता क्या है कि usually public good के केस में एक individual reveal ही नहीं करता अपनी preference, क्योंकि उसे पता है कि he is gonna get away with the good even without paying for it. लेकिन टाइबाउट कहता है कि यार वो चीज़ ना एक बड़े ग्रुप के लिए तो एप्लीकेबल है, बट छोटे ग्रुप में ऐसा नहीं है. पढ़ते हैं, टाइबाउट हाउएवर आर्ग्यूड दैट इन अ लोकल कम्युनिटी इंडिविजुअल वुड रिवील देयर प्रेफरेंसेस बाय मूविंग टू द लोकेलिटी दैट बेस्ट रिफ्लेक्टेड देयर टेस्ट एंड ऑफर द प्रेफर्ड टैक्स बेनिफिट मिक्स. लेकिन टाइबाउट ने कहा अगर आप लोकल पब्लिक गुड के केस में ये बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस रिवेलेशन होती है. कैसे होती है भाई? जो पसंद होगी उसको लोकेलिटी, एक इंडिविजुअल को, वो वहाँ पर मूव कर जाएगा. So Samuelson in 1954 noted the problem for the provision of public good by large groups, that is the problem of preference revelation. तो Samuelson का जो problem था वो हम ये नहीं कह रहे कि problem वो जायज़ नहीं था या वो conclusion जायज़ नहीं था, but वो larger group के लिए जायज़ था. So the tie-bout hypothesis appears to mitigate this in so far as individual reveal their preferences by voting their with their feet. सो छोटी लोकेलिटीज़ में बट आप जा सकते हैं. अब जैसे दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना है आप हो सकते हो, बट अगर इंडिया से कनाडा शिफ्ट होना है तो वो इतना इजी नहीं होगा. सो फॉर एग्जांपल, दोज हु लाइक एक्सपेंडिचर ऑन लाइब्रेरीज एंड द आर्ट्स कैन रिजाइड विद अदर्स ऑफ द सेम पर्सुएशन. दोज विद प्रेफरेंस फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सपेंडिचर विल जॉइन द रिस्पेक्टिव लोकल क्लब एल्सवेयर. यहाँ पे लोकल क्लब का मतलब बेसिकली लोकेलिटी. If each local community offered a different menu of public good expenditure, then each individual could be thought to select the local community that provides a level of output for corresponding to his or her preferences. Obviously, अगर हर locality अलग अलग public good offer कर रही और एक individual के पास choice है to choose from, तो वो obviously वो वाला pick करेगा जो उसको best suit करेगा. So it should be clear with respect to the decentralization theorem that the tie-bout effect increases the welfare gains from decentralization. आप याद करिए मैंने इसी चैप्टर 12 में स्टार्टिंग में आपके साथ डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम भी डिस्कस किया है, आप वीडियो भी देख सकते हैं उसका. उसमें हमने आपको प्रूफ करके दिखाए थे जो लॉसेस हुए थे, वेलफेयर लॉसेस. तो आप थ्रू दिस टाइबाउट एनालिसिस उन लॉसेस को दूर कर सकते हैं. नाउ वी विल नाउ एक्सप्लेन दिस थिंग हाउ दे डू इट. सो
Holcomb explains the tie-about equilibrium using a diagram similar to the following one, where in part B, the vertical sum of three individuals with different demand curves D1, D2, and D3 for a local public good G is shown as sigma T. With a marginal cost of provision of G equal to OT and equal tax shares, the equilibrium quantity is OQ2. बता तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है? पहले डायग्राम पर चलते हैं। देखिए, जो पैनल वन है वो बता रहा है सिर्फ इंडिविजुअल वन, पैनल टू इंडिविजुअल वन टू थ्री, और जिग्मा से जो क्वांटिटी आ रही है, जो इक्विलिब्रियम का जो यू नो इक्विलिब्रियम कंडीशन से, वो क्यू टू आ रही है। इसके बारे में भी बात करते हैं। आपको नहीं लगता जो जो बंदा वन है, डी वन है, उसको क्यू वन क्वांटिटी चाहिए थी, यू आर गिविंग हिम क्यू टू, सो ओवर प्रोविजन हो रहा है इसके अलावा। जो लगेल्टी थ्री वाला बंदा था या जो डी थ्री था, उसको क्यू थ्री चाहिए था, आप उसको क्यू टू दे रहे हैं, तो उसके लिए अंडर प्रोविजन है, राइट? सो पहले वाले को जो लॉस है वो है 154, बिकॉज ही वॉन्टेड क्यू वन एंड ही इज बीन गिवन क्यू टू। अगले वाले बंदे को, डी थ्री वाले को, लॉस है 123 ट्राइंगल, बिकॉज ही वॉन्टेड क्यू थ्री बट ही इज गिवन क्यू टू। यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आइए पढ़ते। सो फॉर दिस आउटकम फॉर इंडिविजुअल वन वेयर डिमांड कर्व इज डी वन, देर इज अ वेलफेयर लॉस फ्रॉम ओवर प्रोविजन इक्वल टू ट्राइंगल 145। फॉर इंडिविजुअल थ्री द वेलफेयर लॉस फ्रॉम अंडर प्रोविजन इज ट्राइंगल 123। सो इफ दे आर कंपीटिंग लोकल जुरिस्डिक्शन, इंडिविजुअल कैन एग्जिट टू अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल एंड सेम इज द केस फॉर इंडिविजुअल थ्री। तो कहता है अगर वो क्यू टू ना होकर, एक लोकेलिटी ना होकर, अलग अलग लोकेलिटीज़ होती कि एक लोकेलिटी में क्यू वन ऑफर हो रहा है, एक में क्यू थ्री ऑफर हो रहा है, तो डोंट यू थिंक जिसको क्यू वन चाहिए था वो उस लोकेलिटी में चले जाता, जिसको क्यू थ्री चाहिए था वो अलग लोकेलिटी में चले जाता। सो इन एन आइडियल आउटकम देर वुड बी थ्री कम्युनिटीज विद इक्विलिब्रियम्स एज ए बी एंड सी। तो फिर तीन अलग अलग लोकेलिटीज़ होती हैं, आर एग्जाम्पल, डी वन वाला क्यू वन वाले के लिए जाता, डी टू वाला क्यू टू के लिए जाता, और डी थ्री वाला क्यू थ्री के लिए। इफ इन ईच कम्युनिटी दीज थ्री आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ईच एंजॉइंग अ सिचुएशन वेयर देयर डिमांड इक्वल्स ओपीटी, देर आर नो वेलफेयर लॉस ऑफ यू नो या देर आर नो वेलफेयर लॉसेज एज सच। इन ईच कम्युनिटी देर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड OQ1, OQ2 एंड OQ3 रिस्पेक्टिवली। गिवन फिस्कल माइग्रेशन वेलफेयर लॉसेज फ्रॉम एलोकेटिवली डिफरेंट आउटकम्स फ्रॉम सम इंडिविजुअल्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज कैन बी अवॉइडेड। तो अगर आप अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, अलग अलग लोकेलिटीज बना सकते हैं, तो ये जो आपके वेलफेयर लॉसेज हैं आप आसानी से इनको ओवरकम कर सकते हैं। इंडिविजुअल थ्री हैज़ एक्सप्रेस प्रेफरेंसेज फॉर अ ग्रेटर प्रोविजन by moving to a justification which offer greater greater provision of the local public good, voting with their feet, both individual one and individual three no longer experience the welfare loss। क्योंकि देखो अगर आप कॉमन में जाते तो कॉमन में Q2 मिल रहा था, देखिए तो Q1 वाला भी परेशान क्योंकि उससे तो कम चाहिए था, Q3 वाला भी परेशान उससे तो ज़्यादा चाहिए था। तो अब इफ द सिस्टम इज सच कि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी मूविंग टू यू नो दोज प्लेसेस जहाँ पे आपको आपके हिसाब से क्वांटिटी मिल जाए। लेकिन मेरे बच्चों इसके कुछ अजम्पशंस हैं जिनको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। सो फर्स्ट, फुल नॉलेज ऑफ ऑल दी कम्युनिटीज फीचर्स। वेल इट इज़ अज्यूम कि इंडिविजुअल को सारी इन्फॉर्मेशन है लोकल टैक्सेस की और क्या क्या पब्लिक गुड है वहाँ पे अवेलेबल। वेल हो भी सकता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब आपको सारी ही नॉलेज हो कि टैक्स का सिस्टम क्या है और क्या क्या पब्लिक गुड वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपने ये अज्यूम किया हुआ है। सेकेंड है कॉस्टलेस मोबिलिटी। मेरे हिसाब से ये पॉइंट वैलिड है। आपने क्या बोला कि जो Q2 बन रहा था, अगर Q1 वाले को उससे कम चाहिए तो वो लोकेलिटी 1 में चले जाए, Q3 वाला लोकेलिटी 3 में चले जाए। डोंट यू थिंक इट्स नॉट दैट ईजी कि आपने सब बस उठे बस्ता उठाया और चल दिए दूसरे लोकेलिटी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगी, आइए पढ़ते हैं। कॉस्टलेस मोबिलिटी, दिस थ्योरी वर्क्स ओनली कंसीडरिंग फिस्कल कंसीडरेशन, अदर फैक्टर लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्रेंडशिप, फैमिली टाइज, अदर नॉन फिस्कल फैक्टर्स हैव बीन इग्नोर्ड। मोर ओवर कॉस्टलेस मोबिलिटी इंप्लाइज दैट देर आर नो वर्क प्रॉब्लम्स, दैट इज हाउस होल्ड कैन मूव विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट अ ऑल्टरनेट जॉब और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाउसिंग कंसीडरेशन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि मिलेगा नहीं मिलेगा घर वहाँ पे, या उस क्वालिटी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? ये थोड़ा ना आप बस उठे और आप चल दिए दूसरी लोकेलिटी में। आई मीन हु वुड कंसीडर दीज थिंग्स इज वेल, ऑब्वियसली ये चीज़ें भी तो कंसीडर करेंगे ना बंदा। तो इनको थोड़ा सा इग्नोर किया गया है यहाँ पर। एक्सटर्नैलिटीज, द मूवमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर मे कॉज एक्सपेंडिचर्स इन द फॉर्म ऑफ एडिड कंजेशंस, एक्सटर्नैलिटीज रादर, इन द फॉर्म ऑफ एडिड कंजेशंस। डोंट यू थिंक अगर मैं लोकेलिटी 1 में सपोज पहले से रह रहा हूँ और वो बंदे और सारे आ गए वहाँ पर जिनको Q1 चाहिए था, डोंट यू थिंक मेरे पास तो बड़ा एक्स्ट्रा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो जाएगा, इतने सारे लोग आ जाएंगे।
So for a welfare maximizing equilibrium, the tie-bout mechanism must create a situation whereby it is impossible for any individual to increase utility as a result of changing communities. और वैसे भी हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दैट यू कैन नॉट इंक्रीज योर यूटिलिटी लेवल मोर, और इफ यू कैन इंक्रीज इट देन ओनली बाय डिक्रीजिंग द अदर वंस. तो वो आपको यहाँ पे ऐसा एक मैकेनिज्म क्रिएट करना ही होएगा. सो हाउएवर व्हेन देयर आर एक्सटर्नैलिटीज इवन कॉस्टलेस मोबिलिटी मे नॉट बी सफिशिएंट टू अटेन दिस रिजल्ट एज इंडिविजुअल माइग्रेट. एक्सटर्नैलिटीज तो आएंगी ही आएंगी, तो डोंट यू थिंक फिर वो अपना बेस्ट कहाँ ले पा रहे हैं जो ऑलरेडी लोकेलिटी वन में थे. ये दोबारा पढ़ लेते हैं. फॉर अ वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम टाइप आउट मैकेनिज्म मस्ट क्रिएट अ सिचुएशन वेयर बाय इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू इंक्रीज यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग कम्युनिटीज. सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको जाने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कोई यूटिलिटी इंक्रीज ना हो. अगर ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लोगे तो सही है, तब एक्सटर्नैलिटीज की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो. अब कुछ बच्चे कहते हैं मगर उसको Q1 चाहिए था, वो Q2 में क्यों रहेगा? आप बाकी चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दो ना कि वहाँ पर टैक्स महंगा है, फॉर एग्जाम्पल, समझ गए, वहाँ पे लोकल पब्लिक गुड की क्वालिटी में भी इट्स नॉट दैट ग्रेट, यहाँ पे क्वालिटी बेटर है. तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर दो कि वो दूसरी जगह जाने में उसको दिक्कत हो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अभी आपने मेरे एग्जांपल में देखा कि हमने क्या बोला कि तीन लोकेलिटीज बना दो. यार तीन लोकेलिटीज अगर बनाओगे तो तीनों लोकेलिटी छोटा छोटा आउटपुट बनाएगी, तो वो जो बल्क में बना सकते थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सकते थे वो आप हटा रहे हो. पढ़ते हैं, व्हेन देयर आर डाइवर्स प्रेफरेंसेस फॉर पब्लिक गुड द नंबर ऑफ लोकल कम्युनिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम वुड बी एक्सट्रीमली लार्ज. दिस माइट इंप्लाई मेनी स्मॉल कम्युनिटीज देयर बाय मिसिंग आउट ऑन अ पॉसिबल गेन्स दैट वुड अराइज फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो तभी आता जब बल्क में एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन हो पाता, जो अगर आप बहुत सारी लोकेलिटीज बना दोगे तो पॉसिबल नहीं होगा. Benefits spillover. Well, benefits provided by one locality may spill over into another jurisdiction. The two locality may internalize this spillover by a process of direct bargaining. Alternatively, there may be a role for a central government. आइए एक example देते हैं. Locality A में बहुत सुंदर पार्क्स बने हुए हैं, तो locality B वाले उधर आ जाते हैं तो उनको भी उसका फ़ायदा हो रहा है. तो locality A वाला क्या कर सकता है, या तो central authority को बोले कि यार इनको यहाँ मत आने दो, या अगर दूसरी locality के लोग आते हैं तो उनसे कुछ टैक्स वगैरह ले, उनसे कुछ पैसे वैसे ले. सो कहता है आइदर वे मॉडिफिकेशन तो आपको करना पड़ेगा फिर इस एनालिसिस का. नेक्स्ट है नॉन स्टैटिक प्रेफरेंसेस. एक बात बताइए, जब आप 8th क्लास में थे तब लाइफ को कैसे देखते थे? यू वर अ हैप्पी सोल एट दैट टाइम. और जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए आपके पोजीशंस तो बढ़ते चले गए, मटेरियल पोजीशन, बट खुशी कम होती चली गई उसी प्रपोर्शन में. क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ प्रेफरेंसेस सेम नहीं रहती. आइए पढ़ते हैं. If preferences for local public services change during the life cycle, which they must, so there are added strains from tie-bout mechanism. At certain ages, individual have a priority for educational facility for children. Later, they want old age facility. तो अगर वो चीज़ें, अब देखो आप शुरू में आए थे, क्यों? क्योंकि ना आपको recreation चाहिए थी एक particular locality में और वो वहाँ पर मिल रही थी. But with over a period of time, आपकी age बढ़ी तो अब आपको schools चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और बड़े हो गए तो आपको ओल्ड एज फैसिलिटी चाहिए, जबकि दैट लोकेलिटी इज नोन फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. सो कहते हैं द इम्प्लीकेशन इज दैट इधर हाउस होल्ड मूव और सर्कमस्टांसिस चेंज और लोकल कम्युनिटीज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड हुज नीड्स चेंज साइमल्टेनियसली. तो अगर नीड ही चेंज हो गई तो डोंट यू थिंक आपको लोकल पब्लिक गुड जिसकी वजह से वो वहाँ पर आए थे वो ही या तो चेंज करना पड़ेगा या लोग वहाँ से फिर दोबारा मूव करेंगे. सो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे बच्चों, इन ऑर्डर टू properly understand voting with your feet. बाकी आप मेरे notes में से अच्छे से पढ़ लीजिए और कोई भी doubt हो तो we are there to serve you.